अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जेड टाइम व्लॉग्स। क्या हाल चाल है हम सबके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर मॉर्निंग राइड सोलो। अच्छा, मैंने कुछ हफ्ते पहले जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछा था अबाउट ZH2, कि क्योंकि वो ZH2 जो है थोड़ी सी कंफर्टेबल बाइक होती है, सीधे बैठ के चलाते हैं, हैंडल बार होता है, तो मैं सोच रहा था कि ये सेल करके वो ले लूँ, क्योंकि दो रखना ज़रा बहुत टफ हो जाएगा। ऑलमोस्ट 1.14 मिलियन जो है वो मेरा बाइक्स में बाउंड हो जाएगा, तो मैं करना नहीं चाह रहा था। अच्छा, उस बाइक को फ़िलहाल मैं नहीं ले रहा क्योंकि वो डील बन नहीं पा रही। वो वजह ये है, पहली बात तो ये है कि वो थोड़ा सा ओवर प्राइस है। मैं आपको थोड़ी सी एक बात समझा देता हूँ। आप फिलहाल ये भूल जाएं कि इसके अंदर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है और उसके अंदर H2 का इंजन है। अगर मैं उसकी नॉइस की बात करूँ ना, कि बाहर के मुल्क में USA या कैनेडा जहाँ से भी वो बाइक आता है इंपोर्ट होके, वहाँ पे नॉइस ZX10R और ZH2 की सेम है। $18,500 का ये है, $18,500 का ही वो है, ठीक है। तो अगर दोनों की प्राइस सेम है $18,500, तो इसका मतलब ये है कि जो 21 मॉडल है सेम $18,500 में जब इम्पोर्ट होकर पाकिस्तान में आया, तो अगर आज वो 7 मिलियन का सेल हो रहा है, मिसाल दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आज अगर ये ZX10R की जो प्राइस है वो 7 मिलियन है, इतने का इसने बिकना है, तो 2020 मॉडल यानी एक साल पुराने बाइक की मैं 5 लाख रुपये कीमत तो कम करूँगा ना, यानी कि मैं 2020 मॉडल का 10R लूँगा तो शायद मैं 65 लाख का लूँ या मे बी 6 मिलियन का लूँ। तो वो जो है बाइक वो एक साल पुराना है, इसे वो 20 मॉडल है, दो के इनवाइस दोनों की सेम है, तो उस लिहाज से उसकी आस्किंग प्राइस ज़्यादा है, महंगी है। कि अगर ये 7 का सेल होगा तो वो मैं 6.6 का नहीं लूँगा, वो मैं 6 का लूँगा। उसकी वजह एक ये भी है, एक तो वो एक साल पुराना है, दूसरा वो नेकेड है, ये फिर भी बिक जाएगा पाकिस्तान में। नेकेड बेचना बहुत मुश्किल है, वो मेरे जैसे कोई इंसान लेगा जो बाइकिंग भी नहीं छोड़ना चाह रहा और बैक पेन भी है उसको, तो इसलिए फिर मैं अभी उसकी जो प्राइस है वो मुझे ओवर प्राइस लग रही है। मुझे मेरी थॉट के लिहाज से मुझे लगता है कि वो 6 मिलियन या 5.5 से 6 के दरमियान कहीं डील होनी चाहिए थी उसकी, लेकिन वो खैर उससे उसकी जो आस्किंग प्राइस है वो ज़्यादा है, तो मैं फिर उसकी तरफ जो है अभी मेरी डील बन नहीं पाई। अदरवाइज़ मैंने जेन बुरा बना लिया हुआ था। कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि आप 10R पे ही स्टिक रहें। मुझे भी 10R बहुत पसंद है, नो डाउट कि जो एक ब्यूटी है वो फेयरिंग वाली बाइक की ही होती है, नेकेड बाइक कितना खूबसूरत नहीं होता, और जिस तरह ये एयर कट करता है उस तरह नेकेड नहीं कर सकता, ठीक है ना। लेकिन अब मजबूरी थी तो अच्छा, तो फिर मैंने सोचा कि वाई नॉट हम ZX10R पे ही कुछ ऐसा करें कि ये मेरे लिए थोड़ी सी आरामदेह हो जाए, इसके हैंडल थोड़े से ऊपर आ जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, कैसा हो सकता है? यहाँ पे इसके हैंडल ऊपर आ सकते हैं और मेरे लिए ये ऐसा हो सकता है कि मैं सीधा बैठ के इसको चलाऊँ? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। हम बाइक तो ले लेते हैं और हमें उसकी बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि इस बाइक को हमने अपनी हाइट के मुताबिक सेट भी करना होता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब ये बाइक आया था तो ये बहुत ही ज़्यादा जो इसके ये जो लीवर्स हैं ना, ये बहुत ही ऊंचे थे, यहाँ यहाँ इधर थे, इधर इधर। तो होता क्या था कि जब मैं उनको यूँ पकड़ता था ना, तो मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता था इन लीवर्स को पकड़ने के लिए, तो मेरी कलाइयाँ दर्द करती थी। अब भाई इसके अंदर एडजस्टमेंट दी हुई है उन्होंने, यहाँ पर किस लिए दी हुई है? इस्तेमाल करने के लिए दी हुई है ना यहाँ पर। तो मैंने इसको अपनी हाइट के लिहाज से कि मैं जब मेरे आर्म जब इस हैंडल पर आ रहे हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट हो, यहाँ यूँ कलाइयाँ बिल्कुल स्ट्रेट हो, ना ऊपर हो ना बहुत ज़्यादा नीचे हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इससे आपकी कलाइयों में दर्द नहीं होती। कलाइयों की, शोल्डर की, कोनियों की दर्द आप इससे ख़त्म कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये हैंडल का बार जो नज़र आ रहा है, ये दो के कावासाकी ने सेट किया हुआ है, लेकिन अगर आप अपनी हाइट के लिहाज से इससे एडजस्ट आप इससे खुश नहीं है, तो आप इसको भी लूज़ करके थोड़ा सा आगे मिलीमीटर्स में या थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, जिससे आप की जो कलाइयाँ हैं वो मज़ीद उसके ऊपर से लोड कम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इन दो एडजस्टमेंट्स के अलावा आपके पास एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट कोई नहीं है।
क्लिपॉन्स होते हैं ये, ठीक है, इस हैंडल बार को यहाँ से लेके आता है, क्लिपॉन कहा जाता है। तो ये आफ्टर मार्केट भी मिलते हैं, आफ्टर मार्केट में एडजस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो मैं अपेक्स कंपनी एक है, उसने कमाल ही कर दिया, उसने जो ये क्लिपॉन बनाए हैं उसमें बहुत सारी एडजस्टेबिलिटी है। आप इस पूरी हैंडल बार को ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, उसके बाद इसकी जो पोजीशन आपको नज़र आ रही है आप इसको भी चेंज कर सकते हैं जस्ट एक स्क्रू से, ठीक है। और ये कितना इस तरफ आए, पीछे आए, आगे आए, वो भी एडजस्टेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा एडजस्टेबिलिटी होती है उसके अंदर। तो मैं सोच रहा था कि वो मंगवा लूँ, वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था पैक्स का, क्योंकि वो यूएसए से आना था और वो ब्रांडेड है, तो वो ऑलमोस्ट मुझे जो है उसकी कॉस्ट आ रही थी 75,000 पाकिस्तानी। तो मैं उसको इस डर से नहीं मंगवा पा रहा था कि मैंने कहा यार अगर वो मैं मंगवा लेता हूँ तो अगर मैं उसको ऊंचा करूँगा तो जब मैं अपना बाइक का हैंडल मोड़ूंगा तो वो यहाँ पे मेरी फेयरिंग पे ना लगे, या ये जो ऑयल का कैप है ये भी क्योंकि क्लिपॉन पे टाइट है तो अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा तो ये कहाँ जाएगा, ठीक, देख रहे हैं ना आप डिफरेंस। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मेरे माइंड में भी चल रहे हैं। क्लिपॉन्स तो मैं मंगवा लूँ पर अभी मैं सिर्फ, मुझे ये अंदाज़ा लगाना है कि मेरे पैसे ज़ाया ना हो जाएं, क्या मेरी इस हर चीज़ जो है वो उसी तरह हो जाएगी और हैंडल मोड़ने पे बाइक के साथ लगेगी तो नहीं। अभी मैं इन चीज़ों पे गौर कर रहा हूँ और जैसे ही मैं कोई कैलकुलेशन लगा लेता हूँ कि हाँ यार उसका फ़ायदा हो जाएगा तो फिर मैं वो मंगवा लूँगा। ये उन बाइकर्स के लिए भी जो अपनी बाइक फ्रंट से डाउन कर लेते हैं, जब फ्रंट से डाउन होती है तो आप बहुत ज़्यादा नीचे झुक जाते हैं, अगर आप 2 इंच भी नीचे करते हैं तो बहुत ज़्यादा नीचे हो जाती है बाइक। तो आप वो एडजस्टेबल हैंडल बार मंगवा के जो क्लिपॉन्स है आप लगा सकते हैं। मैंने, क्योंकि ये परफॉर्मेंस पार्ट नहीं है, इंजन का पार्ट नहीं है, इससे नुकसान कोई नहीं होना बाइक के इंजन को, तो आप चाइना कॉपी भी मंगवा सकते हैं और मैंने अली एक्सप्रेस पे ढूंढा है और वो पाकिस्तानी 22,000 का पड़ रहा है मुझे डिलीवरी के साथ। तो कहाँ 75,000, कहाँ 22,000। मुझे बस हिसाब ये लगाना है कि वो इसको लग जाएगा और कोई चीज़ बाइक को इधर टच नहीं होनी चाहिए जब हम हैंडल मोड़ रहते हैं, यू टर्न ले रहे होते हैं। स्ट्रेट में तो ठीक है, चल रही है, तो थोड़ा सा उसका हिसाब किताब करेंगे और उसके बाद वो मंगवा के तो इस पर ट्राई करेंगे। तो मैं अपनी, अगर ये बाइक मैंने 2 इंच, मैं इसको फ्रंट से 1 इंच डाउन करने की सोच रहा हूँ, उसके लिए ब्रोक्स के यहाँ पे जो राइजर्स होते हैं वो भी मैंने मंगवाए, वो राइज जैसे ये राइज हो जाएगा थोड़ा सा तो 1 इंच मैं इसको डाउन करूँगा फ्रंट से, और फिर वो 3 इंच वाला अगर क्लिपॉन हम लगा लेते हैं तो ओवरऑल 2 इंच मुझे अपवर्ड मिल जाएगा। 1 इंच तो मैंने नीचे कर देनी ना बाइक, और 2 इंच अब उसमें टोटल 3 इंच की एडजस्टेबिलिटी है, तो ओवरऑल ये इस टाइम मेरी जो पोजिशन है मेरी 2 इंच पोजिशन अपवर्ड हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा, तो और इजी हो जाएगा मेरे लिए बैठना इस बाइक पे। और अगर ऐसा हो जाता है तो वो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए। अच्छा, मैंने एक बड़ी फ़नी चीज़ भी देखी है इसके अंदर, मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी चीज़ें घोड़ों ने क्यों बनाई हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होगा और मेरी हंसी नहीं रुकी थी जब मैंने वो चीज़ देखी थी, इस बाइक के लिए ZX10R के लिए हैंडल बार भी बना हुआ है। वुड यू बिलीव दैट, हैंडल बार यहाँ पे लग जाता है, जो ये जो आप देख रहे हैं इसका ब्रैकेट जिसने जिसके ऊपर ये शॉक्स कसे हुए हैं ब्लैक कलर का, ये चेंज हो जाता है, इसमें सुराख वाले आ जाते हैं, अगर आपने इसी में सुराख करवाने इसमें भी हो जाएंगे, और वो यहाँ पे हैंडल बार लग जाता है और उसके ऊपर ग्रिप लग जाती है। 10R के लिए हैंडल बार गोरो ने बनाया हुआ है, क्यों? क्योंकि जो गोरा बाइक लवर है और जो ये फेयरिंग वाली बाइक छोड़ना नहीं चाहता लेकिन बैक पेन उसको भी है इंसान, तो वो भी होगा ना, तो उन लोगों के लिए हैंडल बार भी बना हुआ है भाई बाहर, और अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पे बिक रहा है यूएसए की बड़ी। ओहो, धुंध है यार इधर भी ट्रैक के ऊपर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थिक नहीं है, दूर तक आपको काफ़ी नज़र आ रहा है।
आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रेड सी एक साइन आ रही है, ये बेसिकली ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ किया हुआ है तो उसका साइन है, पर अभी रोड इतना गर्म नहीं है तो टायर ग्रिप करने में उसका इशू ना हो, इसलिए मैं बाइक जो है वो थर्ड गियर या फोर्थ गियर में खींच रहा हूँ। आपने देखा होगा फर्स्ट रन जो है वो मैंने फोर्थ गियर में डाल के, पहले फोर्थ गियर डाला था फिर मैंने उसको बाइक को खींचा था, और अभी जो रन हुआ है वो थर्ड गियर में हुआ है। कुछ राइडर्स तो मिले मुझे पर मैंने इनको यही एडवाइस किया है कि आप यहाँ पे खड़े ना हो क्योंकि पुलिस आ जाती है तो फिर मौका नहीं मिलता, और वो खाम खा तंग करने आते हैं। तो मैंने इन्हें कहा है कि हम ट्रैक पे ही रहेंगे और अगर खड़े होना होगा तो एमसी जाके खड़े होंगे, और यही बेस्ट है। लेक सिटी आप जब भी आएँ आप राइड करें, राइड करने के बाद खड़े होकर बातें करनी है तो आप एमसी चले जाए, लेकिन बाइक खड़ा करके इधर खड़े मत हों। तो आपको नजर आ रहा है कि नहीं, लेकिन इस बाइक के पीछे टेल के नीचे मॉन्स्टर का एक बहुत बड़ा जायंट स्टिकर लगा हुआ है। लुक्स ब्यूटीफुल। तो गाइज अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।